नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। नजरबंदी पर भड़का हाफिज सईद, वीडियो जारी कर मोदी पर साधा निशाना। ट्रंप प्रशासन की ओर से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने के बीच मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद एवं चार अन्य अब्दुल्ला उबैद, जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी कासिफ नियाज को देर रात लाहौर में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत नजरबंद कर दिया गया। हाफिज सईद ने नजरबंद होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में हाफिज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप पर भी जमकर हमला बोला है। नजरबंदी के कुछ घंटे पहले सईद ने नवाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी कि अगर कोई अंकुश लगाया जाता है तो उसका संगठन अदालत का रुख करेगा। हाफिज सईद के एक कथित ट्विटर हैंडल पर कश्मीर का जिक्र किया गया है। हाफिज की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो भी लाखों लोग कश्मीर के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। नजरबंद होने के बाद हाफिज सईद ने वीडियो जारी कर भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि भारत के दबाव में ही पाकिस्तान सरकार ने उसे नजरबंद कर रखा है। इस समय क्योंकि ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना है और वो मोदी से गहरी दोस्ती निभाना चाहता है, इसके चलते दबाव डाला जा रहा है। हाफिज ने कहा कि उसका अमेरिका के साथ कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि झगड़ा भारत के साथ है कश्मीर के मसले पर। गौरतलब है कि पाकिस्तान की पंजाब सरकार के गृह विभाग ने सईद की नजरबंदी का आदेश जारी किया था। लाहौर पुलिस ने चौबुर्जी स्थित जमात उद दावा मुख्यालय पहुंचकर इस आदेश को क्रियान्वित किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल ने संगठन के मुख्यालय को घेर रखा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम हाफिज सईद को जौहर टाउन स्थित उसके आवास पर ले जा रहे हैं, जहां उसे सरकार के आदेश पर नजरबंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सईद के आवास को उप कारागार घोषित किया गया है। गृह विभाग के निर्देश पर लाहौर में जमात उद दावा के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया है। और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महबूबा ने कहा, अनुच्छेद 370 को कमजोर करना सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य। ईरान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। आरबीआई का ऐलान, 1 फरवरी से एटीएम से पैसे निकालने पर नहीं होगी लिमिट। एयर फ्रांस ने मुस्लिम देशों के 21 लोगों को यात्रा करने से रोका। और बेनामी कानून के तहत आयकर विभाग ने चलाया डंडा, 42 संपत्तियां जब्त।